मैंने एक मैक्सिमम केस के लिए और एक मिनिमम केस के लिए, ठीक है। और हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई, राइट। पावर इज वी आई, और तो दोनों केसेस में बस डिफरेंस किसका है, पी वन और पी टू। वोल्टेज दोनों में सेम है तो करंट दोनों में डिफरेंट होगा, आई वन और आई टू। तो अगर मुझे इसमें लगाना है तो 840 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, और इसके अंदर क्या होगा, 360 इज इक्वल टू 220 टू आई टू, आई वन आई टू किसका, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो इससे आई वन निकल जाएगा, आई वन विल बी 840 डिवाइड बाय 220, अदर आई टू वुड बी 360 डिवाइड बाय 220, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो हमारे पास करंट आएगा। इसकी करंट कितना आएगा, 3.82 एम्पीयर इसका कट करके आएगा, और आई टू का आएगा 1.64 एम्पीयर। हमारे पास करंट आ गया, करंट आने के बाद हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाय आई, तो 220 अपॉन में 3.82, और इसका आर वन, इसका आर टू, इसका आर टू 220 बाय 1.64, तो वी विल गेट फाइनल रेजिस्टेंसेस। और रेजिस्टेंसेस कितनी आई है, 134.15 और 57.6 है। दोनों ओम में आ गए हमारे पास, ठीक है, क्लियर है।